जय हिंद दोस्तों। सांप इंडिया के लगभग हर एक जगह पर पाए जाते हैं। कुछ सांप जहरीले होते हैं तो कुछ बिना जहर के होते हैं, लेकिन इंडियन आर्मी के पैरा स्पेशल फोर्सेस की ट्रेनिंग में उन्हें सांप को पकड़ना, उसे हैंडल करना सिखाया जाता है। कभी कभार आपने इंडियन कमांडोज को सांप को खाते हुए भी देखा है। तो क्या इंडियन कमांडो की ट्रेनिंग में सांप को खाना जरूरी है? अगर आप सांप नहीं खा पाते हैं तो क्या आप ट्रेनिंग को कम्प्लीट नहीं कर पाएंगे? सांप के साथ में इंडियन कमांडो की ट्रेनिंग के बारे में इस वीडियो में बात करेंगे। भारत में चाहे राजस्थान हो, चाहे तमिलनाडु हो, चाहे कहीं भी जगह हो, बर्फीली इलाकों को छोड़कर लगभग हर एक जगह पर सांप पाए जाते हैं, और ये सांप बहुत ही खतरनाक एक जीव है। भारत के जहरीले सांप कोबरा अगर किसी आदमी को बाइट करता है तो उसका मौत 2 से 3 घंटे में निश्चित है, अगर उसको सही ट्रीटमेंट ना मिल पाए तो। इंडिया में उसी तरह से खतरनाक सांप रसल्स वाइपर, कॉमन क्रैत, क्रैत जैसे जहरीले सांप मौजूद है। इंडियन कोबरा का एक बूंद जहर 20 से 25 आदमियों को मारने के लिए सक्षम है, और ये एक बूंद जहर एक हाथी को भी मारने के लिए काफी है। अब इंडियन पैरा कमांडोज की ट्रेनिंग इस तरह से दी जाती है कि वो हर सिचुएशन में दुश्मनों के ऊपर टूट पड़ सके, उनके साथ लड़ सके, उन्हें खत्म कर सके, चाहे आतंकवादी हो चाहे देश के दुश्मन क्यों ना हो। और ये देश के दुश्मन देश के बॉर्डर के किसी भी कोने पर हो सकते हैं, तो उन सब जगह पर इन दुश्मनों को खत्म करने के लिए पैरा स्पेशल फोर्सेज को, कमांडोज को भेजा जाता है। और अगर इंडियन आर्मी के कमांडोज ऑपरेशन में जाते हैं और उसे सांप को हैंडल करना नहीं आता है, और ऑपरेशन के बीच में अगर उसका मुलाकात सांप से हो जाता है, तो यहाँ पर सिचुएशन गड़बड़ हो सकता है। इसीलिए इंडियन आर्मी के कमांडोज को और इंडियन आर्मी के सोल्जर्स को सांप को हैंडल करना सिखाया जाता है। जहरीले सांप को कैसे पकड़ना है, सांप को देखते ही पता करना कैसे है कि यह सांप जहरीला है भी या फिर नहीं, इस तरह की बेसिक ट्रेनिंग उन्हें दिया जाता है। इंडियन कमांडोज की जंगल वॉरफेयर ट्रेनिंग में उन्हें वाइल्ड एनिमल तक को हैंडल करने की प्रशिक्षण दी जाती है। लेपर्ड, टाइगर, लायन के साथ साथ में सांप, बिच्छू जैसे जीवों को भी हैंडल करने की प्रशिक्षण दी जाती है। उन्हें मारने की प्रशिक्षण नहीं दी जाती है, हैंडल करने की प्रशिक्षण दी जाती है। इंडियन कमांडोज जब जंगल में घुसते हैं तो उस जंगल में वाइल्ड एनिमल्स भी होते हैं। अगर जंगल में किसी कमांडो का सामना किसी शेर से हो जाता है तो उस शेर से अपने आप को कैसे बचाएं, इसकी ट्रेनिंग दी जाती है। जितने भी जहरीले और खतरनाक जीव जंगल में घूमते हैं वो सभी हमारे दोस्त हैं, वो हमारे दुश्मन नहीं है, वो इस नेचर के दोस्त हैं, हमारे दोस्त हैं। अब आते हैं इंडियन कमांडोज की सांप, केकड़ा जैसे जीवों को पकड़कर खाने की बारी। देखिए, SF कमांडो की ट्रेनिंग में और ऑपरेशन में जब वो ऑपरेशन के लिए जाते हैं, 3-3, 4-4 दिन तक किसी भी तरह का खाना नहीं, किसी भी तरह का पानी नहीं। उस वक्त में सारे कमांडोज अपने शरीर के थकावट को दूर करने के लिए, अपने भूख को मिटाने के लिए सांप पकड़ते हैं, उनके सिर को काट देते हैं, सांप के मांस को आग में थोड़ा सा जलाकर खा लेते हैं, और इससे उसकी भूख भी मिटती है, और सांप का जो मांस है वो हाई प्रोटीन है, इसलिए उसके शरीर में तंदुरुस्ती और एनर्जी भी आती है। और सांप का एक बहुत खास बात है कि वो सांप कितना भी जहरीला क्यों ना हो, उसके बॉडी पर किसी भी तरह का जहर नहीं होता है। जो जहर है वो मुंह के अंदर वेनम ग्लैंड पर ही है। सिर काट देने से उसकी बॉडी जहरीली नहीं रहती है, उसको जलाकर वो खाते हैं। इनफैक्ट आपने कोबरा कमांडोज के कई सारे वीडियोस में कच्चे केकड़ा खाते हुए भी कमांडोज को देखे होंगे। अब इंडियन स्पेशल फोर्स या फिर इंडियन आर्मी की ट्रेनिंग में सांप को हैंडल करना, केकड़े को हैंडल करना तो सिखाया जाता है, लेकिन उसको खाना नहीं सिखाया जाता है। कोई जबरदस्ती नहीं है। अगर आप अपने भूख और प्यास को सहन कर सकते हैं तो आप मत खाइए, लेकिन जब स्पेशल फोर्सेस के कमांडोज देखते हैं कि खुद के उस्ताद जो है वो सांप पकड़कर खा रहे हैं, तो वो भी अपने भूख के मारे उस सांप को खाने लगता है। सिर्फ सांप और केकड़े नहीं, नदी के आसपास अगर ऑपरेशन चल रहा है तो वो नदी से फिश यानी कि मछली पकड़कर भी खाते हैं। जंगल में जब चलते हैं तो जंगल का फल तोड़कर भी खाते हैं। तो आशा करता हूँ सांप, बिच्छू, जंगली जानवर और इंडियन आर्मी की ट्रेनिंग के बारे में जो कंफ्यूजन आपके दिल में था वो क्लियर हो गया होगा। इंडियन आर्म फोर्सेस के सभी सोल्जर को सत्कर्णी नमन के साथ में इस वीडियो को यहीं पर खत्म करते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिए, दोस्तों में शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए इंडियन डिफेंस यूट्यूब चैनल को। इसी तरह के डिफेंस रिलेटेड वीडियोस आगे देखने के लिए मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।